जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए आप सब जितने हमारे पब्लिक दर्शक हैं आर्यावर्त टुडे को 22 बी के वार्ड पार्षद सुचित्रा सिंह के पति सह सामाजिक कार्यकर्ता नीलेश मुखिया अपने ऊपर लगाए आरोप का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आत्मसमर्पण तथा बदली शाह द्वारा आरोप लगाया गया कि मैंने अवैध रूप से समुदाय अगर बदली शाह और आत्माचरण के पास किसी तरह कोई एविडेंस है अगर जिन्होंने मुझ पर आरोप लगाया अगर कोई सबूत है तो हमें दिखाए मैंने एक वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे पास भी वीडियो है आपको बताएं कि सच क्या है और झूठ क्या है उन्होंने मैंने की केस करने की बात कही इन्होंने आरोप लगाया हमको धमकी दिया है हो जाएगा और ये मीडिया जो है तो मीडिया जो है उनका साथ दे रही है किसी के कहने पर किसी के बहकावे पर मैं इन तीनों पर पहले तो मीडिया पर उसके बाद से जो है आत्माचरण पर और उसके बाद से बद्री प्रसाद जिन्होंने हम पर गंभीर आरोप लगाया कि उनको जान से मारने की धमकी दी है तीनों पर हम केस करेंगे तीनों को कोर्ट पर खड़ा करेंगे। कि आपने उनको धमकी दी जान से मारने की धमकी दी और आपने अपने आदमी को भेजा उनके घर पे गए क्या ऐसा वाक्य हुआ है? ये बिल्कुल ही गलत और बेबुनियाद है। हम तो कह तो रहे हैं कि बद्री शाह किसी के बहकावे में आकर के राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हैं और बद्री शाह को मोहरा बनाकर हमारे विरोधियों का ये चाल है और ये धमकी का प्रकरण जो है बिल्कुल ही गलत है। ना हम उनको उनके पास गए किसी तरह का उनके पास प्रूफ है तो पेश करें। आज पूरी घटनाक्रम जो हुई और वहाँ पे आपने एक आम सभा किया था उसमें शायद सरकारी कर्मचारी भी मौजूद थे क्या आपके पास प्रमाण है वहाँ पे थे? तीन चार पाँच दिन पहले जो है हमारे यहाँ उस जो आत्माचरण जो है वो एक लिख करके दिए थे कि उसमें अनियमितता बरती जा रही है उसकी जांच में जो DCLR साहब कर्मचारी साहब और उनके सरकारी स्टाफ और अन्य अगल बगल के करीब 50-100 लोग इकट्ठा हुए हमको भी बुलाया गया हम वहाँ गए वहाँ जांच हुई। जांच के क्रम में एक भी वहाँ पब्लिक ने ये आरोप हम पर नहीं लगाया कि हमने किसी से पैसा लिया है। इसका पूरा सरकारी वीडियो बना है सरकारी वीडियो इसका प्रमाण है मेरे मुंह से बोलने से नहीं। अगर आप बोलिएगा तो आपके चैनल के माध्यम से मैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी मुहैया करा दूंगा जिसमें खुद ग्रामीण ने ये बात को कहा है कि ना ही नीलेश मुखिया के द्वारा हमसे पैसा लिया जाता है साफ सफाई के नाम पर फ्री में हम लोगों को कार्यक्रम करने के लिए दे दिया है। मतलब वहाँ सरकारी हमारे ब्याज जी के पड़ोसिया हैं उनका मम्मी डेट कर गया गया हॉल बुक कर रहे हैं तो 50,000 मांग रहा था तो वो हमको आके बोले तो हम आके मुखिया जी के बोले तो बोला जाओ कर लो साफ सफाई कर देना पैसों नहीं दिए अपने साफ सफाई कर लिए। और कोई है और कोई बोलो बोलो उनका 22 तारीख को बुकिंग है इस गली में किसका घर है सर अभी लोग बाजे के आते हैं तुम भी बताओ गली वाला मान के दिया सर सब का है गोपाल जी काम कर गए काम कर लिए हैं उनको पैसा नहीं दिए सफाई का आदेश है सर दूध देती दिल्ली सर उनको मिल जाता सफाई में हम लोग बच्चे शादी किए हैं भैया आपको भी दिए बताइए तो यहाँ उपस्थित है कोई ऐसा है जिनको यहाँ पैसा लगा हो? नहीं सर पैसा नहीं लगा नहीं लगा और निसंकोच बोलिए किसी का नहीं लगा यहाँ पे कर्मचारी की मौजूदगी में ये पूरा रिकॉर्डिंग हुआ जी बिल्कुल सरकारी कर्मचारी DCLR साहब और उनके सरकारी मुलाजिमों के द्वारा वो वीडियो बनाया गया है वो सरकारी वीडियो है ना कि हमारे तरफ से कोई वीडियो बनाया गया लगाया है चाहे वो चैनल वाले लगा दिखाए हैं या फिर अगला जो आत्माचरण जो जिनका नाम है आत्माचरण नाम है ना जी तो वो किस आधार पे लगाए ये आरोप? आत्माचरण तो एक पागल आदमी है वो अपना परिवार नहीं संभाल सकता है तो वो समाज को क्या संभालेंगे। आत्माचरण का काम ही है डिस्ट्रक्टिव टाइप का आदमी है वो और इसी तरह का अनर्गल बयानबाजी आप पर भी लिख देगा जिस पर मन करेगा उस पर लिख देगा उसका काम ही यही है कोई काम नहीं है। और ये जो भी आरोप आत्माचरण लगाए हैं बिल्कुल बेबुनियाद है और कह रहे हैं अगर कि हम पैसा लिए या हम कब्जा करके रखे हुए हैं या हमसे पहले के मुखिया धर्मेंद्र मुखिया जो थे वो कब्जा करके रखे हुए हैं तो धर्म आपको आपको बता दें कि धर्मेंद्र मुखिया को भी ब्लॉक के द्वारा ही मिला था हमको भी ब्लॉक के द्वारा ही मिला था और वो जो आरोप लगा रहे हैं कि 15,000 से 20,000 रुपया लेने का जो आरोप लगा रहे हैं कि धर्मेंद्र भी लेता था नीलेश भी लेता है तो आपको हम वो वीडियो उपलब्ध कराएंगे जिसमें ग्रामीणों ने ये